रानो चिड़िया ने कई दिनों की लगातार मेहनत और कड़ी लगन से अपना सर्दियों का घोंसला बना लिया था। हाँ, अब घोंसले का काम खत्म हुआ। मम्मा, हमारा घर जंगल में सबसे पहले बन गया है। अब आप हमें छोड़कर कहीं ना जाएं और सारा दिन हमारे साथ रहें। बेटा, मम्मा का काम कभी खत्म नहीं होता। अपने बच्चों की जरूरतें पूरा करने में सारी जिंदगी निकल जाती है। खैर, आप सब ये नहीं समझोगे। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब समझ आएगा। अपने बच्चों को समझाकर रानो चिड़िया फिर घर से बाहर चली जाती है। वो लूसी कबूतर के घर जाती है। लूसी बहन, अब चलें। आज बच्चों ने आते समय बातों में लगा लिया। अब जल्दी चलें, वरना हमें भोजन से लौटते समय रात हो जाएगी। रानो, आज पूर्व वाले जंगल चलेंगे। मिट्टू बता रहा था वहाँ के खेतों में अनाज पकना शुरू हो गया। ऐसे बातें कर चिड़िया और लूसी कबूतर दाना खोजने चली जाती है। उठे गोरी उठे, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है और एक आप है जो खर्राटे लेकर सो रहे है। ये मनहूस अब मेरे पीछे ही पड़ गया है, जगा के ही दम लेगा। कुछ कहा गोरी आपने? कालू, आपको मेरी नींद खराब करके क्या मिल जाता है, और सोने दो ना। गोरी, इस वक्त को आप नींद खराब करना कहती हो? जंगल के सभी पक्षी भोजन लेने भी जा चुके और तुम सोने की बातें करती हो। अब जल्दी चलें। फिर कालू गोरी भी भोजन खोजने चले जाते हैं। चिड़िया और लूसी कबूतर भी लंबे सफर के बाद पूर्व वाले जंगल पहुंच जाती हैं और उन्हें वहां अनाज का खेत दिखाई देता है। रानो, वो रहा किसान का खेत, चलो जल्दी अनाज लेते हैं। हाँ लूसी बहन, मिट्ठू ने आपसे सच ही कहा था, वरना ना जाने हम किस जंगल चले जाते और अनाज मिल भी पाता या नहीं। ऐसे खुशी खुशी वो काफी सारा अनाज ले लेती हैं और अपने जंगल को रवाना होती हैं। लौटते लौटते उन्हें शाम हो जाती है। गोरी, और उठ लो ना देर से। चिड़िया और लूसी के साथ जाते तो कुछ ना कुछ लेकर ही लौटते। अब हमें दाना नहीं मिला तो मेरी क्या गलती। अब चले घर, रात होने वाली है। फिर कालू गोरी को खाली पंख अपने जंगल लौटना पड़ता है। ऐसे ही हालातों में समय बीतता गया। कालू गोरी अपने सर्दियों के लिए कुछ भी भोजन जमा नहीं कर पाए थे, बल्कि बाकी पक्षियों ने तो अपना पर्याप्त भोजन जमा कर लिया था। गोरी, सब आपकी गलती है। अब हम पूरी सर्दियों में क्या खाएंगे? कालू, अगर सारी गलती मेरी है तो तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो भोजन जमा नहीं कर पाए। गोरी, जिसे तुम रोज रोज खाती हो वो भोजन मेरा ही लाया हुआ होता है। तुम तो कुछ लाती ही नहीं थी तो भोजन कहाँ से इकट्ठा होता। अब फालतू की बकवास बंद करें और ये सोचें, सर्दियाँ बिना भोजन के कैसे कटेंगी। हाँ, सिर्फ भोजन ही चाहिए तुम्हें। इस घर की हालत नहीं देख रही, जो पूरी तरह से खंडर है। कड़ाके की सर्दियों में एक दिन नहीं रुकाओगी यहाँ। मतलब क्या है तुम्हारा? अब हमें ये घर भी बनाना होगा। गोरी, शादी से पहले मेरे सारे काम अच्छे होते थे, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ खराब होता है। पता नहीं बिना भोजन और घर के सर्दियाँ कैसे कटेंगी। मुझे कोसना बंद कर दें और कुछ सोचने दें। करना क्या है? सोचो सोचो, सोचने से कुछ नहीं आने वाला। आया कालू, आइडिया आया। तुम्हारे जंगल में सबसे मेहनती पक्षी कौन है? गोरी, तुम्हारे आगे तो सभी ठीक हैं, पर सबसे ज्यादा चिड़िया है। वो किसी काम में पीछे नहीं हटती। ठीक है तो कालू, आप मुझे उस चिड़िया से मिलाकर लाएं, जरा मैं भी तो देखूं वो कितनी मेहनती है। ऐसे कहकर गोरी कवि कालू को चिड़िया के घर ले जाती है। रानो, गोरी को आपसे मिलना था, इसीलिए आपके घर आए हैं। हाँ गोरी बहन, बताएं आपको क्या काम था मुझसे? कुछ नहीं रानो बहन, बस मेरा घर में मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा किसी से बातें कर लूं, शायद तभी मन लग जाए। फिर गोरी रानो काफी देर तक बातें करती हैं और शाम को अपने घर आती है। कालू, वो चिड़िया तो बहुत सीधी है, हमारी बातों में आसानी से आ जाएगी। अब देखना मैं सब चीजों का कैसे इंतजाम करती हूँ। कालू, ये पत्र चिड़िया को जाकर दे दो और बोलना डाकिया देकर गया है। फिर कालू वो पत्र चिड़िया को देने चला जाता है। चिड़िया पत्र पाकर बहुत
खुश होती है क्योंकि वो पत्र उसके मायके से जो आया था। मम्मा मम्मा, नानो ने क्या लिखा है पत्र में? हमें बुलाया ही होगा। बेटा पत्र पढ़ने तो दे मुझे, तभी मैं आपको बताऊंगी क्या कहा है। रानो चिड़िया जैसे ही पत्र पढ़ती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। हमें अभी नानो के घर के लिए निकलना होगा। नानो की तबीयत बहुत खराब है, वो अंतिम सांसें गिन रही हैं। चलो बच्चों अभी चलते हैं हम। ऐसे बातें कर रानो बच्चों के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। रानो के जाते ही गोरी कालू चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। देखें कालू जी, अब तो आपकी सारी चिंताएं मिट गईं, ढेर सारा भोजन भी मिल गया और घर भी। अब कोई शिकायत न करना मुझसे। वाह गोरी वाह, आपका आइडिया तो कमाल का था, चिड़िया खुद ही घर से भाग गई। फिर कालू गोरी चिड़िया के घर में रहने लगते हैं। अरे रानो, इतनी सर्दी में तुम यहाँ आओ? बच्चो जल्दी से कंबल में बैठ जाओ, तुम्हें रास्ते में ठंडी हवाएं लगी होंगी। फिर नानो चिड़िया बच्चों को कंबल में ढक लेती है और खाने को गरम गरम खाना देती है। बेटी रानो तू भी कंबल ले ले और ये चाय पी, बहुत सर्दी लगी होगी तुझे। माँ मुझे तो आपका पत्र मिला था कि आप बहुत बीमार हो और हमसे आखिरी दिनों में मिलना चाहती हो। अरे रानो मजाक किया होगा किसी ने, पर कोई नहीं बेटा, मुझसे मिलना तो हो गया। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अरे रानो पागल हो गई हो क्या, जो आते ही जाने की बात करती हो। अब कुछ दिन रहती जाओ, अब क्या तू मेरे आखिरी दिनों में ही मेरे पास रुकेगी? ऐसे रानो की माँ उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लेती है। इधर कालू गोरी भी चिड़िया के घर में ऐसो आराम से रह रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो अपने घर वापस आती है। वो कालू गोरी को अपने घर में देखकर हैरान थी। कालू गोरी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी चिड़िया अगर अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब ये घर हमारा है, चल भाग यहाँ से। ये घर तो मेरा है, तुम मेरे घर में घुसे हो, जाओ यहाँ से। इस जन्म में तो कभी नहीं, अगर अगले की बात करें तो आ जाना। ऐसे कहकर वो दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया उनकी सारी शैतानी समझ जाती है। बदमाशों ने धोखा दिया मेरे साथ, लेकिन अब मैं क्या करूं? बच्चों को लेकर कहां जाऊं? ऐसे रोते हुए रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है और बच्चों को वहां छोड़ने की बात करती है। कबूतर भैया आप मेरे बच्चों को कुछ दिन अपने पास रख लें, मुझे जंगल से सूखी लकड़ियों का घर बनाना है। नहीं रानो, तुम दूसरा घर नहीं बनाओगी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उन कौवों को सबक सिखाने। नहीं कबूतर भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, अगर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाला तो वो तुमसे बदला लेंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और को नुकसान हो। ऐसे कहकर रानो पहाड़ों से सूखी लकड़ियां लेने चली जाती है और लकड़ी काटना शुरू करती है। दिन रात की कड़ी मेहनत से रानो का घर बनकर तैयार हो जाता है। देखा देखा कालू जी आपने, चिड़िया कितनी मेहनती है, दूसरा घर भी फटाक से बना लिया। ऐसे समय बीतने लगता है। सर्दियों में बारिशें होना शुरू होती है। सभी पक्षी समय समय पर अपने घरों की मरम्मत करने लगे थे, मगर कालू गोरी का तो घर पर कोई ध्यान नहीं होता, इसलिए उनका घर बहुत जल्दी खराब हो जाता है और लगातार बारिश से टूट जाता है। फिर वह दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। वो सभी पक्षियों से मदद मांगते हैं, परंतु उनकी हरकत को देखते हुए कोई उन्हें सहारा नहीं देता। गोरी हमने चिड़िया का घर लूटा था, इसीलिए कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब हमें सर्दी में ही मरना पड़ेगा। इस तरह से बुरे कौवों को पूरी रात बारिश में भीगकर सजा मिलती है। वो भोली चिड़िया बचपन से ही श्री कृष्ण जी की भक्त थी। वो हर जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत रखती और पूरे सच्चे मन से श्री कृष्ण का ध्यान करती। बेटी टूनी जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले लड़के पक्षी घर आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं नदी पर जाती हूँ और वहाँ से ताजी ताजी फूल भी तोड़ लाऊंगी अपने कान्हा जी के लिए। फिर टूनी चिड़िया एक टोकरी लेकर नदी पर चली जाती है। घर पर लड़के और उसकी मम्मा आ गई थी। वो सब टूनी चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। रानो जी पिछले आधे घंटे से बैठे हैं, अगर आपकी बेटी घर पर नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? नहीं नहीं बहन जी, बस टूनी आती ही होगी, पता नहीं इतना समय क्यों लगा दिया, बस नदी पर नहाने गई थी।
मम्मा चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी टूनी फूलों से भरी टोकरी के साथ घर आती है। सोनू चिड़े की नज़र तो टूनी से हटती ही नहीं, उसे पहली बार में ही टूनी चिड़िया पसंद आ गई। आप सब मुझे माफ करना, नदी पर देर हो गई। बहन जी, ये मेरी बेटी टूनी है, इसे घर के सारे काम आते हैं, यहाँ तक की कढ़ाई बुनाई सब में निपुण है मेरी बेटी। टूनी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? कम से कम BA पास तो होगी ही। आंटी जी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने तो बस कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है। बहन जी, बस यही कमी है मेरी बेटी में, मैं इसे ज्यादा पढ़ा ना सकी, वैसे तो बहुत होशियार है। चल चल बेटे, मुझे 5 पढ़ी हुई बहू नहीं चाहिए, कम से कम BA पास तो होनी ही चाहिए। माँ, मैंने टूनी जी को पसंद कर लिया है और शादी भी टूनी से ही करूँगा, आगे आपकी मर्जी। ये कहकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया मन ही मन सोचती है, ना जाने ये कबार टूनी मेरे बेटे को कैसे पसंद आ गई, अब मुझे ही आगे की बात संभालनी होगी। कोई बात नहीं बहन जी, आप भी चले जाइए, हमें बुरा नहीं लगेगा, और अपने बेटे को समझा देना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो टूनी बहुत पसंद है, बस मैं अपने बेटे का मन ले रही थी, कहीं घर जाकर वो नई नुक्कड़ ना कर दे। ऐसे बात को संभालते हुए मम्मा चिड़िया शादी की बात पक्की कर अपने घर चली जाती है। टूनी और रानो तो बहुत खुश थी। टूनी, ये सब तेरी भक्ति और कृष्ण जी का कमाल है, जो विदेश में आने जाने वाले चिड़े पक्षी ने तुझे पसंद किया। फिर कुछ समय बाद टूनी और सोनू चिड़े की शादी हो जाती है। टूनी अपने ससुराल चली जाती है। सोनू चिड़ा तो बहुत अच्छा था, परंतु टूनी की सास उससे नफरत करती थी। बाबा टूनी, क्या पकौड़े बनाए हैं, आपके हाथों में तो जादू है जादू। थू, ये भी कोई खाने के लायक है, प्याज जल जल कर कोयला बनी हुई है, और तुझे ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया सारे पकौड़े फेंक देती है। माफ कर दो माँ जी, मैं आपके लिए पकौड़े दोबारा से बना देती हूँ, आप बस गुस्सा ना करें। मैं सब जानती हूँ, मेरे खाने से तू जलती है, इसीलिए जानबूझकर ये बेस्वाद खाना बनाती है, गबार कहीं की। ये कहकर गुस्से में मम्मा सास वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया तो रोने लगती है। टूनी, रोना बंद करो, माँ का तो नजरिया ही ऐसा है, तुम देखना एक दिन माँ भी तुम्हें मेरी तरह पसंद करने लगेंगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा, माँ जी हमेशा मुझसे नफरत करेंगी, क्योंकि उन्होंने आपके कहने से मेरी शादी कराई है, उन्हें मैं पसंद नहीं थी। टूनी, अपने कान्हा जी पर विश्वास रखो, वो एक दिन सब ठीक कर देंगे। इस तरह से सोनू चिड़ा टूनी को समझा देता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था, टूनी तो घर को सजाने में लगी हुई थी। माँ, मैं एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ मंगाना है तो बता दो। हाँ हाँ बेटा, मेरे लिए एक सोने का हार लेते आना। टूनी, वहाँ सोना सस्ता मिलता है, तुम भी अपने लिए कुछ मंगा लो। सोनू जी, मुझे तो कान्हा ने सब कुछ दे दिया, मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है, आप मेरे कान्हा के लिए सोने का मुकुट और बांसुरी लेते आना। अरे वाह टूनी, तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है, मैं सब ले आऊंगा। फिर खुशी खुशी सोनू चिड़ा विदेश चला जाता है और एक हफ्ते बाद वापस आता है। ये लो टूनी जी, तुम्हारे मुकुट और बांसुरी, अच्छे से संभाल के रख दो, शाम को नए वस्त्रों के साथ पहनाएंगे माखन चोर को। सच ही कहा था मम्मा ने, आप बहुत अच्छे हो। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। ये सब देखकर मम्मा सास टूनी से जल रही थी और मन ही मन सोचती है, ना जाने किस मनहूस घड़ी में इसके घर गई थी मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर, इस गबार ने मेरे बेटे को अपना गुलाम बना लिया है, कितना महंगा है ये सामान और फ्री में चढ़ाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर मम्मा सास चुपके से मौका देखकर सोने का मुकुट और बांसुरी चुरा लेती है और सुनार को बेच आती है। अब देखती हूँ वो टूनी की बच्ची कैसे अपनी इच्छा पूरी करती है, आई बड़ी सोने का मुकुट और बांसुरी चढ़ाने। शाम हो जाती है, सभी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तैयार थे। जाओ टूनी, अलमारी से सोने का मुकुट और बांसुरी ले आओ। टूनी वहाँ से चली जाती है, उसकी सास मन ही मन बहुत खुश थी। और तभी टूनी मुकुट बांसुरी लेकर वापस आती है। टूनी के हाथ में मुकुट बांसुरी देखकर तो मम्मा चिड़िया चौंक जाती है। टूनी, तू ये मुकुट
छोट बांसुरी कहाँ से ले आई है? अरे माँ जी, आपको तो ये सब पता है, फिर ये सवाल क्यों? सोनू जी दुबई से लाए थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह ही बेचकर सुनार से पैसे ले लिए थे, फिर तेरे पास कहाँ से आए? सच सच बता, कहीं मेरे पैसे चोरी कर दोबारा तो नहीं खरीद लाए? नहीं माँ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ये अलमारी से ही लाई हूँ। झूठ बोलती है, सच सच बता वरना आज तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ऐसे कहते हुए मम्मा श्रिया पास में पड़ा डंडा उठाती है और टूनी को पीटना शुरू करती है। टूनी तो बस रोए जा रही थी, तभी वहाँ पर एक आवाज होती है। बस कर कमला देवी, बस कर, मेरे भक्त को सताना बंद कर दे। ये मुकुट और बांसुरी मैंने वहाँ रखे थे ताकि मेरे सच्चे भक्त की पूजा में कोई विघ्न न आए, परंतु मूर्ख तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकी, इसलिए मैं तुम्हें दंड देता हूँ, इसी समय तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन कर। मम्मा सास के कुछ बोलने से पहले ही टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, नहीं नहीं श्री कृष्ण जी, ऐसा दंड मेरी माँ जी को मत देना, वरना मेरी माँ जी कैसे देख पाएंगी। मैंने हमेशा ही आपकी सच्चे मन से भक्ति की है, आज उसी का फल आपसे मांगती हूँ। मेरी माँ जी को माफ कर दीजिए और उनकी आँखों की रोशनी मत छीनिए। श्री कृष्ण अपने भक्त को कभी निराश नहीं कर सकते, वो जो मांगते हैं उन्हें देना ही पड़ता है, इसलिए वो मम्मा सास को माफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सास तो फूट फूट कर रो रही थी और टूनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। फिर वो हंसी खुशी श्री कृष्ण को मुकुट पहनाते हैं और भोग लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आपका धन्यवाद। देर रात को रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर घर लौट रही थी। टुन्नू जी, इस खेत में फसल कितनी अच्छी हुई है, अगर हर बार ऐसी ही फसल होती रही तो हम जल्दी ही अपना खेत खरीद लेंगे। हाँ रानो जी, मैं सोच रहा हूँ कि ये बैंगन अभी जाकर मंडी बेचाऊं, कल फिर से जो बैंगन तोड़ने हैं। नहीं टुन्नू जी, आप बैंगन बेचने सुबह ही जाना, अभी बहुत रात हो चुकी है। ऐसे बातें करते हुए वो अपने घर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ आता है। रानो, आपने तो कहा था कि आज हमारे पैसे दोगी, फिर पैसे देने क्यों नहीं आई? गौरी बहन, हमें बैंगन तोड़ते हुए रात हो गई, टुन्नू जी सुबह ये बैंगन बेचने बाजार जाएंगे और मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। ठीक है, पर याद रखना सुबह को थोड़े पैसे हमारे घर पहुंचा देना। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रानो और टुन्नू भी अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही टुन्नू बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर बाजार जाता है और सारी फसल बेच देता है। रानो जी, ये लो, सबसे पहले गौरी बहन के रुपए देकर आओ, फिर चलेंगे खेत पर। रानो चिड़िया रुपए लेकर कालू कौवे के घर जाती है और उसे सारे रुपए दे देती है। ये क्या चिड़िया, इतने सारे रुपए? आपने तो कहा था कि थोड़े थोड़े करके दोगी। गौरी बहन, हमें नहीं पता था कि उस जमीन पर खेती कैसी होगी, परंतु भगवान ने हमारी सुन ली और फसल बहुत अच्छी हुई, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके पूरे पैसे दे दूं। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कहा, आज की कमाई से ही पूरे रुपए दे दिए? हाँ हाँ कालू जी, सिर्फ एक ही दिन की कमाई से दे गई है पूरे पैसे, तो सोचो अब खुद कितना कमाएगी। गौरी जी, इस तरह से तो वो चिड़िया बहुत रुपए कमाने वाली है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो हमारे सारे रुपए दे गई। नहीं कालू जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, उन्हें अपने खेत पर खेती नहीं करने देंगे। ऐसे कहकर फिर वह दोनों बैंगन के खेत पर चले जाते हैं और बैंगन से भरी फसल देख कर तो चौंक जाते हैं। गौरी जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही खेत है जिसे हम बेकार समझते थे। हाँ कालू जी, ये हमारा ही खेत है, देखो तो कितनी अच्छी फसल हुई है, अगर चिड़िया को रोका नहीं गया तो वो बहुत रुपए कमा
कमाने वाली है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रानो चिड़िया और उसका पति भी आ जाता है। रानो जी, क्या आपने कालू को पैसे नहीं दिए? नहीं टुन्नू जी, मैं तो अभी जाकर इनके पैसे देकर आई हूँ। हम यहाँ तुम्हारे पैसे लौटाने आए हैं, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। परंतु गौरी बहन, क्यों? हमने तो आपको खेत का किराया दिया था, फिर आप हमारे पैसे लौटाना क्यों चाहती हो? क्योंकि हम अपना खेत वापस ले रहे हैं, वो भी इसी वक्त। तो आप दोनों किसी और से खेत किराए पर ले लें। गौरी कव्वी की यह बात सुनकर चिड़िया और उसका पति तो घबरा जाते हैं। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमने आपको पूरा किराया दे दिया है, तो इस खेती पर अब हमारा हक है, आप ऐसे खेत नहीं ले सकती। तुम दोनों राजी राजी अपने घर चले जाओ, अगर लड़ाई दंगा हो गया तो बिना बात के ही चोट लग जाएगी। कालू, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमें ये खेत 1 साल को दिया था, और जब हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है तो तुम्हें लालच आ रहा है, तुम एक लालची कव्वे हो। क्या कहा, मैं लालची और धोखेबाज हूँ? ऐसे कहकर कालू कव्वा एक डंडा उठाता है और टुन्नो के सिर पर जोर से मार देता है। ले जाओ इसे मेरे सामने से, और कभी मेरे खेत पर दिखाई मत देना, और अब ये पैसे भी भूल जाओ। रानो चिड़िया अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो जी, कितनी मेहनत की थी हमने उस बंजर जमीन पर, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ, लालचियों ने सब छीन लिया। हाँ टुन्नू जी, आज के बाद कालू के खेत पर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस बैंगन की खेती से हमने न जाने क्या क्या सोचा था, परंतु अब कुछ नहीं होगा। टुन्नू जी, आप आराम करिए, मैं कहीं काम खोजने जाती हूँ। नहीं रानो जी, जरा सी ही तो चोट है, और इसका बहाना लेकर मैं घर में नहीं बैठ सकता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया काम की तलाश में चले जाते हैं। इधर कालू गोरी भी बहुत खुश थे और जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे। गोरी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, ना तो खेती करनी पड़ी और फसल से भरा खेत भी मिल गया। हाँ हाँ कालू जी, पता नहीं चिड़िया ने कौन सा बीज डाला था जो बैंगन की फसल इतनी अच्छी हुई है। जो भी बोया हो, पर हमारे लिए तो मौज ही कर दी। अब जल्दी जल्दी पंख चलाओ, शाम को फसल बेचने भी तो जाना है। इस तरह से कालू गोरी तो बहुत खुश थे, और शाम होते ही बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी बेचने चले जाते हैं। इधर रानो चिड़िया और टुन्नो चिड़ा भी काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। रानो जी, अब हमें घर चलना चाहिए, शाम हो गई है, अब कौन हमें काम देगा? हाँ टुन्नो जी, अब हम घर चलते हैं। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू गोरी की बैलगाड़ी गुजरती है और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। लालची कहा था ना मेरे पति को, अब देखो तो बिचारों को कैसे सड़क पर पड़े हैं। हाँ गोरी जी, तो कर रहा है कि इस टुन्नू के ऊपर अपनी बैलगाड़ी चढ़ा दूं, खेत पर बहुत जुबान चला रहा था। भगवान के लिए आप दोनों चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज कहीं के। क्या कहा, हम धोखेबाज हैं? कालू जी, जरा बैलगाड़ी तो चलाओ, इन्हें भी तो पता चले कि हम कितने बुरे हैं। फिर कालू अपनी बैलगाड़ी चला देता है, रानो चिड़िया तो वहाँ से हट जाती है, परंतु टुन्नो चिड़ा तो घायल हो जाता है। कालू गोरी, आप दोनों तो बहुत बुरे हो, खेत छीन कर भी आपको सबर नहीं आया, जो हमारी जान लेना चाहते हो। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू गोरी भी अपनी बैलगाड़ी लेकर हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, अब आपके पति कभी नहीं उड़ पाएंगे, इनके पंखों की हड्डियाँ जो टूट गई हैं। रानो जी, कल तक सब कुछ कितना अच्छा था, और आज देखो क्या से क्या हो गया, फसल से भरा खेत भी छिन गया, कहीं काम भी नहीं मिला, और तो और मेरे दोनों पंख भी टूट गए। चिंता ना करें आप,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपका पंख बड़े अस्पताल में दिखाऊंगी, फिर आप दोबारा से उड़ने लगोगे। अगले दिन रानो चिड़िया काम की तलाश में अकेले ही चली जाती है। दूर दूर तक जाने के बाद उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वह एक खाली जगह पर बैठी रो रही, मुझे तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा, मैं टुन्नू जी का इलाज कैसे कराऊंगी। चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी कि तभी वहाँ से कुछ बूढ़े पक्षी गुजर रहे थे और चिड़िया को रोते हुए देख उसके पास आ जाते हैं। बेटी आप इस तरह से क्यों रो रही हो? फिर चिड़िया उन्हें सारी बातें बता देती है। बेटी ये एक जादुई बैंगन का बीज है, इसे अपने आंगन में बो देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया वो बीज लेकर अपने घर आती है और उसे अपने आंगन में बो देती है। रानो जी एक बैंगन के बीज से क्या होगा जब सारी फसल ही छिन गई? ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते। अगली सुबह जब उठते हैं तो उस बीज की जगह पर एक सोने के बैंगन का पेड़ था जिस पर कई सारे बैंगन लगे हुए थे। टुन्नू जी ये देखो, इस पेड़ पर तो सोने के बैंगन लगे हैं। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आपका इलाज भी बड़े अस्पताल में हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया वो सारे बैंगन तोड़ लेती है और उन्हें बाजार में बेच आती है। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो अपने पति का इलाज भी करवा लेती है और अपने लिए खुद के खेत भी खरीद लेती है। कालू जी लगता है बारिश होने वाली है, हम जल्दी जल्दी सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। हाँ गोरी, फिर सारे बैंगन दुगने रेट में बेचेंगे। ये कहकर वे दोनों जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है और कालू के ऊपर आग गिरती है और कालू के दोनों पंख चल जाते हैं। कालू जी भगवान की कृपा से आपकी जान तो बच गई, परंतु आपके दोनों पंख जल गए। गौरी हमने चिड़िया और टुन्नू के साथ बहुत बुरा किया, उनकी फसल छीन ली, शायद मुझे भगवान ने इसी की सजा दी है। कालू जी हम चिड़िया और टुन्नू चुड़े से माफी मांगेंगे, शायद वो हमें माफ कर दें। ऐसे कहकर वे दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दें, हमने आपको बहुत सताया है और उसी की सजा मेरा कालू भुगत रहा है। कालू गौरी की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया को उन पर दया आ जाती है। गौरी बहन रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह दोनों खुशी खुशी कालू गौरी को माफ कर देते हैं और कालू के इलाज के लिए पैसे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो दूसरों पर अन्याय करता है भगवान उन्हें जरूर सजा देता है।